एकादशी के दिन एकादशी की कथा जरूर सुनो। मंजू गोशा ने सास आलापा और सुनते सुनते मेघावी ऋषि को साज का बजाने वाला भी देखने का विचार हो गया और वो फिर टहलने घूमते घूमते साज बजाने लगी। अब कथा लंबी नहीं करूंगा, कुल मिलाकर मेघावी ऋषि को उसने मोह में डाल दिया। मोह किसे कहते हैं? उल्टी समझ को। सुख अपना भीतर का आता है और लगता है कि उससे मिला, साज से मिला, साज बजाने वाले की सौंदर्य देखने से मिला। अगर तेरे अंतर में सजगता नहीं है, तेरे अंतर में नहीं है, तो बाहर न साज से सुख मिलेगा न साज बजाने वाली से सुख मिलेगा। सुख तेरे अंदर है लेकिन जीव मोह में पड़ा है, बाहर सुख खोजता है और इसी कारण सब कुछ कराते करते कराते दुखी रह जाता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सब व्याधियों का मूल है। ताते उपजे पुनि भवशूला, उससे भव का शूल उत्पन्न होता है। अगर सुख साज में और संसार में होता तो श्री रामचंद्र जी की माँ कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी राम जी को नहीं कहते कि हमें गुरु के आश्रम में जंगल में भेजो, राम राज्य हो गया, अब हम आत्म सुख लेंगे, हम अपना आत्म कल्याण करेंगे। राम राज्य और राम जी जैसे सुपुत्र और अयोध्या का राजमाता का महल पद, उसको कौशल्या जी ठुकरा कर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में आखिरी का जीवन व्यतीत करने जाती है। अजनाब खंड के एक छत्र सम्राट नाभि राजा ऋषभ दे अभी युवराज नहीं हुए, बाल्यावस्था में ब्राह्मणों के गोद में बालक को रखकर राज तिलक कर देते हैं। विश्वसनीय मंत्री राज संभाले, बेटा बड़ा होगा अपने आप संभालेगा, हम अपना आत्म सुख संभालने को जाते हैं, काल कब गला दबोचेगा पता नहीं है। नाभि चले गए मेरु देवी पत्नी को लेकर बद्री का आश्रम तप करने को। ये मोह रहित मति है और मोह वाली मति चाहे सौ सौ जूता खाए, तमाशा हंस घुस के देखेंगे, हजार हजार नालते पड़ रही है, दुख पड़ रहा है, लेकिन संसार की आसक्ति छूटती नहीं, ये मोह है। उस बेचारे की मेघावी ऋषि की कुछ आसक्ति छूटी थी, अंतःकरण शुद्ध था और शुद्ध अंतःकरण में मौज आ जाए तो किसी को इंद्रो भव कह दे, इतना तप का धनी है तो मेरा आसन न चला जाए, मेरी कुर्सी न चली जाए, कुर्सी वालों को बड़ा डर रहता है। मंजू घोषा को भेजा, ऋषि को जरा लौकिक सुख में डाल दे, मोह में डाल दे। कुल मिला के वे लवर लवरी हो गए, लंबी कहानी क्या आप समझ गए। और फिर एक बार जब मोह होता है, सीढ़ी के 105 से गिरता है तो फिर गिरता चला आता है। ये मानो मेरे पुण्य का फल है कि मंजू घोषा तू मिली है, तेरे बिना भी क्या जीना। अब इन बातों में तो आप सारे के सारे खूब समझदार हो, इसलिए इन बातों का मैं ज्यादा बयान नहीं करूंगा। कैसे हस्बैंड वाइफ अथवा लवर लवरी मिलते हैं और क्या क्या कहते और कैसे कैसे करते हैं, ये तो फिल्मी दुनिया वाले और कई लोग बीच पर भी दिखा देते सिखा देते हैं। बेचारे निर्दोष बच्चों को भी जल्दी दोषी बना देता है वातावरण, ऐसा है। इसलिए उस पर मैं ज्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा, आपके पास उस विषय का प्रकाश ढेर है। जय राम जी की। एक दिन दो दिन महीना दो महीना वर्ष बीतते चले गए, लेकिन मोह को पता नहीं चलता कितना समय गया। मजा आ रहा है, किस बात का मजा आ रहा है कि संयम था खजाना था वो खर्च हो रहा है, इसका मजा आ रहा है। मंजू घोषा ने कहा कि ऋषिवर
अब कई वर्ष हो गए मैं जाती हूँ। बोले तू अभी तो आई, क्या वर्ष हो गए? मुझे तो लगता है कि वो आज शाम को ही तू बजा रही और अभी तो आई है। जादू कर सैया छोड़ मेरी बैया, अब घर जाने दो। ये तो तुमने सुना है। वो बोलता है नहीं, तेरे बिना भी क्या जीना रहे। कुछ दिन रही, एक दिन मंजू घोषा कहती कि तुमको पता है तुमने समाधि छोड़ दी, तुमको पता है तुमने प्राणायाम छोड़ दिया, तुम्हें पता है तुमने ध्यान छोड़ दिया, तुमने पता है कि तुमने अपनी कमाई छोड़ दी, अब तुम्हारे पास रहा क्या है? अब इंद्र का भय दूर हो गया और मेरे को तुम्हारे वाइब्रेशन मिल गए, अब तुम्हारे पास है क्या? मैं नींबू को तब तक निचोते जब तक रस निकलता है, तुम्हारे में है क्या? अब बूढ़े हो चले, 12 वर्ष हो गया, पानी में अपना चेहरा देखो, आईने नहीं थे उस समय, देखा के दांत तेरे की, 12 वर्ष बीत गए, 54 ऋषि का पुत्र मेघावी ऋषि मैं युवक था, मेरे पिता युवक हैं, हे चुड़ैल तूने मेरा सर्वनाश किया, पानी उठाया, जा तू प्रेत बन। मंजू घोषा घबराई, अब तो प्रेत बनकर ही तप मरना पड़ेगा, गिड़गिड़ाई, क्षम्यताम ऋषिवर माफ करो, मैं पराधीन हूं, मुझे इंद्र ने भेजा है, इसलिए मैंने ऐसे पाप मैं कर्म करके आपकी तपस्या नाश कर दी, अब मैं नाश हो रही हूं महाराज, संत